अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? देखे सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइव व्लॉग चैनल। सो जनाब, सबसे पहले बैड न्यूज़ सुनाती हूँ आपको। ये देखे, मेरा टप टूट गया रात को। हालांकि परसों में इसकी बात कर रहे थे कि मेरा फेवरेट टप है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था इसका कलर, तो रात को ये टूट गया मेरी ही गलती की वजह से। मामा मुझे कह भी रही है मैं निकाल देती हूँ टेक्सचर, मैं निकाल देती हूँ। मैं कह रही नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाता है। वो शौकी शौकी में टूट ही गया, हालांकि मैंने इतिहास ही आगे किया लेकिन टूट गया। कोई नहीं, कहते हैं ना कि इंसान को सबक मिलता है जब आप किसी की बात नहीं मानते। मैंने मामा को यही कहा, मामा मुझे लगता है मैंने आपकी बात नहीं मानी, इस वजह से ना ऐसे हुआ। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए एहतियात करेंगे। सो जनाब, ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये हमारी रात की मेहनत है 2 बजे की। 2 बजे हम 2 बजे तक जो है ना, मैं और मामा और साथ में मरियम हमें कंपनी देते हुए, ठीक है, तो वो बस हमें कंपनी दे रही थी। और हम लोगों ने जो है ना ये साड़ी की सारी शेप्स बनाई हैं, टेक्सचर्स मैंने प्रिपेयर्ड किए हैं, आप लोगों के सामने दिखाती हूँ कि एक दिन में हमने कितनी वीडियोस बनानी होती है। फिर उसके साथ साथ हमने टेक्सचर भी प्रिपेयर्ड करने होते हैं, क्योंकि फिर वो ढेर लगा होता है। तो वो इसलिए मुझे ये होता है कि बारिश आ गई, मौसम ख़राब हो गए हैं कुछ, क्योंकि आज बादल बादल भी हैं, हवा भी है, धूप भी नहीं है। देखें ना, आज धूप भी नहीं है, नहीं तो इस टाइम धूप इतनी तेज़ होती है। तो खैर कोई नहीं, नहीं तो 10, 11, 12, 2 बजे तक धूप तेज़ होती है यहाँ पर, लेकिन आज नहीं है। बाकी यहाँ का जो है ना पोर्शन थोड़ा सा रेडी किया है, थोड़ा सा यहाँ से सेट किया है, बस एक दो टेक्सचर ये, फिर उसके अलावा एक ये वाला टेक्सचर, 3 हो गए। और चार टेक्सचर्स जो है ना वो रेडी कर लिए। इसको ना मैं थोड़ा सा ऐसे खोल खोल कर रखूं ताकि इनको हवा लगे आराम आराम से। बड़ी प्यारी शेप्स लग रही हैं मुझे। ये देखे ना, ये शेप्स मैंने बनाई थी, ठीक है, रात को मम्मा फिल करके दे रही थी और मैं निकालती जा रही थी। वो भी मैंने और मम्मा ने मिलकर बनाई है, ये भी मैंने और मम्मा ने मिलकर बनाई है। और उसके अलावा तौबा है। खैर तब तक मैं जो है ना इनको सेट वेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो जनाब थोड़ी देर के लिए चुप हुए, अभी फिर से शोर डालेंगे। मैंने कहा चलो मैं ना इनको ज़रा थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके रख दूँ ताकि ये थोड़े से हो जाएं, क्या उसको कहते हैं, हवा जो है ना इनको लगे, फिर उठाकर इधर रख दूँगी। क्योंकि बारिश का कोई सीन कोई पता नहीं है किस टाइम निकला है। रात को हल्की हल्की स्मोक हुई थी, मैं रात को तकरीबन 3 बजे तक छत पर रही हूँ और मैंने देखा स्मोक काफ़ी देर तक जो है ना वो रही है। फिर मैं नीचे चली गई क्योंकि 2 बजे तक हम ये शेप्स बनाते रहे, 1:30 बजे तक सॉरी। तो उसके बाद फिर मैंने बल्ब शल्ब बंद किया, सब कुछ उठाया वगैरह, तो फिर टाइम लग गया मुझे। अच्छा जनाब, और अब हाँ जी क्रमलिंग करते हैं। क्रमलिंग जो है ना वो टेक्सचर्स की करते हैं और साथ में ना कुछ सेटअप करके जाती हूँ ताकि कल जो है आके वीडियो बना लूँ, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी जगह पहले साफ़ करनी है। ब्रश भी कोई नहीं मिल रहा, सुबह रात को ब्रश घूम गया मेरा, पता नहीं किधर रख बैठी हूँ तो मिल ही नहीं रहा था। ये शेप्स वगैरह खाऊँ, ये टप देखें टूट गया मेरा। सोना तुम्हें तो दूर गया, कैसा जन मजबूर गया, पहले ना सेट शेट कर लेते हैं हम, फिर हम इजी होकर क्रमलिंग करेंगे। जब सारे टेक्सचर रेडी होते हैं फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है आके सबकी क्रमलिंग करके जाने का। रात को हाँ मम्मा ने इसकी बनाई, मैं भी कह रही हूँ मम्मा ने टेक्सचर यहाँ पे बना तो रही थी कोई, तो ये वाला टेक्सचर था। ये वाले भी शेप्स रात को हमने बनाई है, मैंने मम्मा ने, वो देखें अच्छे खासे। अब मैं ये जो है ना सोच रही हूँ कि इनकी भी जो है ना इसकी भी ड्राई और इसकी भी ड्राई कर लूँ, ठीक है, ड्राई क्रमलिंग। बाकी ये वाले जो है ना इन दोनों की जो है ना वो हम करेंगे वाटर क्रमलिंग, क्योंकि
क्योंकि ये ज़रा मज़े के टेक्सचर्स हैं, ड्राई में भी अच्छे लगेंगे, सॉफ्ट हैं और क्रिस्पी भी हैं। अब इनको उठाना है, उठा के फिर सेट करूँगी, अभी नहीं कर सकती, बाद में करूँगी। चले आप लोगों के लिए क्रम्बलिंग कर देती हूँ, ठीक है। ओके और ये वाला टेक्सचर की भी करनी है। आज नहीं दिल कर रहा मेरा क्रम्बलिंग करने को, क्योंकि मुझे ये वीडियो बन जाए। ये वाइट कॉन्क्रीट वाला टेक्सचर है, मेरा चारकोल नाखूनों में अभी भी घुसा पड़ा है। रात को चारकोल की तो शेप बनाई थी, अभी भी साफ किया लेकिन साफ ही नहीं हुआ। ठीक है, इसको भी ना पड़े पड़े कर दूँ, ये इधर का और वो उधर का, तो अपने घर चलते, तो अपने घर चल। मैं उस साइड पे जाके इजी होके क्रम्बलिंग करती हूँ। रात को ये मुंतहा बाजी साहिबा टेक्सचर को क्रम्बल करी थी, ये हमारा जो है ना डस्ट वाला टेक्सचर है, ठीक है। और मैं कह रही थी तुमसे नहीं हो रहा, कहती नहीं हो रहा है, ये देखो वो ऐसे कर रही थी। और ये भी मुंता के कारण नाम है। देखें बहुत ही मज़े का टेक्सचर है यार। चलो ब्रश वहाँ पे छोड़ रही हूँ मैं। आज मेरा दिल कर रहा है बस मैं छत का ऐसे देखती रहूँ, मैं क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग ना करूँ, पता नहीं क्यों। ये मुल्तानी मिट्टी में डस्ट जा रही है इसकी, मैं इसको ज़रा ना साइड पे करूँ, देखे ना इसमें भी डस्ट गई है। वाओ कितना सोना है, कितना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर देखता। ये भी इसी का ही है, इसको भी इधर ही रख देते हैं, ड्राई हो जाएगा फिर उठा के उनको इसकी जगह पे रख दूँगी। चले आज हम रेड मड डर्ट की क्रम्बलिंग करेंगे। पहले मैं यहाँ से ना ये बस समेट दूँ, ठीक है, साफ़ कर दूँ ताकि ये ना वाइट टेक्सचर्स में यहाँ पे ना आए, ये भी डस्ट आ रही उधर तक पहुँच जाती है। हम आज जो है ना वो टप में जो है ना क्रम्बलिंग करते हैं ड्राई रेड मड डर्ट की। जगह रोज साफ करती हूँ, रोज साफ करती हूँ, मुझे लगता है यहाँ पे मुझे कोई मैट वगैरह ला कर रखना पड़ेगा। इसको पहले अच्छे से अपने पाँव साफ करो, फिर कहीं जाओ, फिर वापस आओ, फिर पाँव साफ करो, फिर कहीं जाओ।
कल का व्लॉग देखने के लिए और पसंद करने के लिए और इतनी सारी दुआएं देने के लिए मेरी मम्मा को और मुझे, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सभी का। मम्मा के साथ आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं जो है ना वो कोशिश करूँगी कि मम्मा को जो है ना ज़रूर ज़रूर व्लॉग में, एक ना एक व्लॉग में जो है ना रोज़ के रोज़ जो है ना वो लिया करूँ। और आप लोग जो है ना वो बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि ARCSMR पे व्लॉग्स आए मेरी मम्मा के, तो फिर मेरी मम्मा जो है ना स्पेशली व्लॉग बनाया करेगी मेरे बगैर, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप देखना पसंद करेंगे वहाँ उनको, कि आप इधर ही देखना पसंद करेंगे। इधर ये होगा कि साथ मैं भी होंगी, उधर वो होगा कि मम्मा ही होंगी। लेकिन मेरा वो क्या उसको कहते हैं ना, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, मेरा नुकसान ही है। फिर मम्मा ने ना ज़्यादा से ज़्यादा शेप्स क्रम्बल कर दिया करनी है, इसलिए मैं उनको ना हिला शेरी नहीं देती। खुशियाँ यार, इसकी भी क्रम्बलिंग करनी थी। ये आप लोगों के लिए मैंने रखा हुआ था टेक्सचर, क्योंकि ये डस्टी है, ड्राई है, और ये मड वाला टेक्सचर है, मड वाला भी नहीं है, मीन्स के वो वाला टेक्सचर है जो डस्ट वाला होता है, ठीक है। चलो इसको भी क्रम्बल करते हैं, फिर नेक्स्ट में हम डर्ट को कर लेंगे। मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो गया था, बंद नहीं था होगा, वीडियो रिमूव हो गई थी। कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग फॉर सिटिंग, वेट फॉर ओके, इट जिंदाबाद, ब्रिक्स जिंदाबाद। सिटिंग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता ना। यार ये टेक्सचर अच्छा है, नॉट बैड। बस इसमें ज़्यादा पानी ना डले तो फिर ये ठीक है। इसमें ग्रिट्स पड़ गई तो ये तो और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और वो हाथों में चुभता है, फिर क्रम्बलिंग नहीं होगी। ज़रा खामोशी है, लगता है सबके बाल बच्चे गए हुए हैं। बस दो तीन घर से शोर आ रहा है। आज मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की, क्योंकि पहले मैं अपनी ये वाली वीडियो जो है ना वो अपलोड करूँगी मोबाइल में, इसकी स्टोरेज नहीं होती आईफोन के, तो इस वजह से ना फिर मैंने नहीं की। मैंने कहा पहले एक दफ़ा कर लूँ, देन फिर जो है ना मैं नेक्स्ट वर्क करूँगी, फिर अगला काम करूँगी। हालांकि आज तो माशाल्लाह से बड़ी खामोशी थी। मैंने कहा जब ज़रूरत होती है तब होती नहीं है, ऐसे ही होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है, जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो मिलती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती तो तब मिल जाती है ना। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, आप लोग भी बताइएगा। मुझे ना लगता है कि मौसम चेंज होने वाला है, क्योंकि आज ना हवा चल रही है और बदल बदल भी नज़र आ रहे हैं, बदल बदल, सूरज नज़र ही नहीं आ रहा कहाँ है। यार इसकी डिपिंग करूं, लुक जाओ आप लोग। पानी नहीं है, सोना तुम्हें तो अब मम्मा को बताऊंगी कि इसकी
इसकी शेप्स कितने पानी में बनानी है, क्योंकि ये मामा ने शेप्स बनाई थी तो ये ज़्यादा पानी में बना दिए, क्योंकि पहले मैंने मामा को मैंने ही कहा था कि मामा आपने ज़्यादा पानी में शेप्स बनाया करनी है, तो ज़्यादा पानी में बनाती हैं, लेकिन अब मौसम चेंज हो गया है और साथ में मुझे मिनी शेप्स चाहिए होती हैं, वो ज़्यादा पानी में बन जाती हैं, लेकिन ये जो बार वाली हैं या ये टेक्सचर के भी हिसाब से जो है ना पता चल जाता है बंदे को कि इसको पानी की ज़रूरत कितनी है। ये मड वाला टाइप मड देखे ना, इसके ऊपर कितनी वो लेयर्स आ रही हैं, सैंड पे कभी भी इतना लिक्विड नहीं आता। अच्छा, मुझे एक सजेशन मिली है कि आप ऐसा करें कि आप बड़ी वाली स्लैब पे ना अपने ग्रीटी टेक्सचर सारे रख लें और दूसरी जगह पर जो है ना वो अपने रेड डॉट के टेक्सचर्स रख लें। तो जनाब ये जो अरेंजमेंट मैंने किया ना, यह मैंने बड़े सोच समझ के किया है, वो इसी वजह से मैं इसका भी आपको जो है ना वो बताती हूँ, क्योंकि ग्रीडी टेक्सचर्स जो है ना वो आपको पता है ज़्यादा बेसिस पे मैं जो है ना उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, ठीक है। तो और उसके अलावा ये जो है ना वो जगह ज़्यादा होती है दरमियान में, तो फिर बस ज़मीन पे भी आराम से शेप्स बना देती हूँ ताकि ड्राई हो जाए। और रेड डॉट ये होती है कि वो लिमिटेड है, ऊपर से ना रेड डॉट की क्वान्टिटी भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो वेस्ट हो जाए, सैंड सीमेंट जो आपस में मिक्स हो जाए तो चलो कोई नहीं, बंदा कर लेता है उसका कोई हल, लेकिन रेड डॉट जो है ना वो सब मिक्स हो जाए तो वो फिर मुश्किल होता है, और साथ में वो थोड़ा है टेक्सचर भी थोड़ा है ना रेड डॉट वाले, तो इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि ये ना ख़राब हो, कहीं ये ना ज़ाया हो जाए मेरे। सैंड सीमेंट वाले दोबारा बन जाते हैं, लेकिन रेड डॉट बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत ही मुश्किल से, इसलिए वो ज़्यादा सिक्योर है वहाँ पर उस स्लैब पर। और यहाँ पर ये स्लैब ज़्यादा चौड़ी है, यानी साइज़ में चौड़ी है, और क्या उसको कहते हैं, यहाँ पर टेक्सचर्स और ज़मीन पर भी मैं बना देती हूँ टेक्सचर्स इसलिए, और यहाँ पे धूप भी अच्छी लगती है दरमियान में ना। चलो अब फिर ये आ गया, चले अजानों के बाद जो है ना मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्ला।